नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ तआवुन न करो। हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा प्यारा वाकया किताबों में दर्ज है। आप अपने मुरीदीन और मुतकीदीन के साथ दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे। उस वक्त कुछ नौजवान औपाश किस्म के लड़के वहाँ फिस्क व फजूर में, शराब नोशी में, फहाशी और उरियानियत में मसरूफ थे, आलात मौसीकी बजा रहे थे। मुरीदीन की जब नज़र पड़ी तो अपने शेख से कहा कि हजरत इनके लिए बस दुआ कर दे ताकि ये नहुसत ज़माने में फैलने ना पाए। उन्हें बड़ा गुस्सा आया इस बात पर कि शेख के सामने ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन से कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ, तुम लोग आमीन कहना। कहा हाथ उठाओ। आपने हाथ उठाए और रब की बारगाह में एक दुआ की। अजीब दुआ है। दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इन नौजवानों को जिस तरह तूने इस जहां में ऐश और इशरत के साथ रखा है, उस जहां में भी इनको उसी तरह ऐश और इशरत अता फरमा। मुरीदीन ने आमीन कहा। आमीन तो कह दिया मगर बाद में अपने शेख से पूछ लिया, हजरत बड़ी अजीब दुआ थी, आपसे हमने बददुआ के लिए कहा ताकि ये नहुसत फैलने ना पाए और आपने उनके हक में दुआ कर दी, और वो भी बड़ी अजीब दुआ ये कर दी कि इस जहां में भी ऐशो इशरत में ये जी रहे हैं और उस जहां में भी अल्लाह इन्हें ऐशो इशरत अता फरमाए। तो बात समझ में नहीं आई। हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा ठहरो, अभी मेरा मकसद जाहिर हो जाएगा। थोड़ा वक्त गुजरा था कि उन नौजवानों की नज़र हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर पड़ी। जैसे ही हज़रत को देखा वो फौरन उनकी तरफ आए और उनके दस्ते मुबारक पर उन्होंने अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा कर ली, माफ़ी मांगी। हज़रत ने कहा, देखा तुमने, मेरा मकसद जाहिर हो गया। तो देखा आपने, अल्लाह वाले जुर्म से नफरत करते हैं, मुजरिमों से नफरत नहीं करते। अल्लाह वाले गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगारों से नफरत नहीं करते। इसलिए जहां इनके मुरीदीन को गुस्सा आ रहा था और उनके लिए बद्दुआ की दरख्वास्त की, हज़रत को उस बात पर गुस्सा आया तो सही मगर उन गुनहगारों के लिए उन्होंने दुआ करती, बद्दुआ नहीं की, और दुआ भी क्या शानदार की, और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी उस दुआ को कबूल फरमा लिया। उसका मकसद भी जो उनका था वो जाहिर हो गया। अल्लाह वाले इसी मकसद के तहत हमारे दरमियान रहते हैं, हमारे दरमियान बसते हैं, हमारे दरमियान आते हैं, हमारे दरमियान इसी मकसद के तहत वो तबलीग करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि उम्मत मुस्लिमा को राह रास्त दिखाई जाए। इसके लिए जो तदबीर बन सकती है वो उसको अपनाते हैं, जो रास्ता इख्तियार करना पड़े वो रास्ता वो इख्तियार करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि किसी तरह उम्मत मुस्लिमा राह रास्त पर आ जाए, गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा कर ले, तायब हो जाए। आपने देखा वो मकसद जाहिर हो गया। उनका जो मिशन था इसी मिशन को लेकर के ये दुनिया भर में फैल जाते हैं। इनका यही अखलाक और यही किरदार है जिसने हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोगों को इनकी तरफ माइल किया हुआ है, और इसी मिशन को लेकर के ये दुनिया भर में फैलते हैं और तबलीग दीन करते हैं। ये अंदाज होता है तबलीग दीन करने वालों का। हमारा हाल क्या है? हम अगर किसी को गुनाह करता हुआ देखते हैं तो उसको हकीर जानते हैं, उसके लिए हमारे दिल में नफरत पैदा हो जाती है। हम उससे सलाम बंद कर देते हैं, उससे कलाम बंद कर देते हैं। अगर कोई शख्स बदअकीदा हो जाता है या गुनाहों में हद से बढ़ जाता है तो हम ताल्लुकात मुनक़ता कर देते हैं, रिश्तेदारी ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा तरीका है मगर हमारे असलाफ का तरीका ये नहीं है। अगर कोई बदअकीदा हो जाता है तो वो उसकी इस्लाह करने की तदबीरें तलाश करते हैं, उसके हक में दुआएं करते हैं, सलाम बंद नहीं करते, कलाम बंद नहीं करते,
بلکہ ان کے حق میں دعا زیادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس شخص کو ہدایت عطا فرما، اسے اس بدعقیدگی سے نکال کر کے راہ ہدایت دکھا دے، اس گناہوں بھری زندگی سے اسے نکال کر کے صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں وہ شخص راہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی اسی کردار اور اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ تعلقات منقطع کر دے، بجائے اس کے سلام بند کر دے، ہمیں سلام کو بڑھانا ہے، ملاقاتیں زیادہ کرنی ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی تدابیر تلاش کرنی ہے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم کوئی تدبیر بنائے اور ان کو دین کی طرف اور نیکی کی طرف اور درست عقیدے کی طرف مائل کر سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔